यहाँ से अल्लाह ने तस्करा शुरू किया है शुयब आलाम और उनकी कौम का अल्लाह सुबहान तरशाद फरमाते हैं कि हमने मदियन की तरफ जो शहर था मदियन उसकी तरफ हमने उनके भाई सलाम को नबी बना के भेजा यानी जो कि उन्हीं में से थे खाल या कौ तो तमाम अम्बिया की तरह उन्होंने भी दावते तोहद दी और कहा कि ऐ मेरी कौम ओ अबुदुल्ला अल्लाह की ही इबादत करो मालकुम मिन इलाह गैरो जिसके अलावा तुम्हारा कोई और माबूद नहीं है वला तनकुसुल मिकयाल वल मीजान और नाप तोल में कमी ना करो तो ये एक दूसरी उनमें बड़ी खराबी थी कि वो माशी तौर पे करप्शन का शिकार थे कि वो लोगों के साथ धोखाधड़ी करते थे और जब कोई उनसे को सामान खरीदने के लिए आता तो उसको पूरा नहीं देते थे बल्कि अगर कोई चीज़ नापने वाली है तो उसको कम नापना अगर कोई तोलने वाली है तो तोल में जो है वो डंडी मारना तो ये उन लोगों का उनके जो आ, माली मामला थे वो भी ठीक नहीं थे तो वो हुकूक अल्लाह में भी अल्लाह की हक तलफी कर रहे थे कि अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत में वो मुबतला थे और दूसरी तरफ इबाद जो है वो भी उसमें भी वो लोगों की हक तल्फी किया करते थे और आ, लोगों के साथ धोखा दही का मामला करते थे तो शुआब आलम ने दोनों तरफ से उनको नसीहत की और ये दीन का पैगाम पहुंचाया कि एक तो ये कि अल्लाह की तौहीद पे आ जाओ खालस पे और दूसरा ये कि अपने माली मामलात को दुरुस्त करो लोगों के साथ धोखा दही ना करो और नाप तोल में कमी बेशी ना करो इन अराकुम बिखैर शुहेब ने उनसे कहा कि मैं तुमको देखता हूँ कि तुम बल असुदा हाल हो तुम यानी कि तुम में कोई तंगी नहीं है माली तौर पे अल्लाह ने तुम्हें इतना नवाजा है तो कोई वजह नहीं बनती कि तुम ये जो फ्रॉड करते हो या नापतोल में कमी करते हो तो इसमें कोई तुम्हारी मजबूरी नजर नहीं आ रही कोई वजह नहीं बनती पहले ही तुम इतने अमीर हो तो उस अमीर होने के बावजूद तुम धोखा दही में मुबतला हो तो कोई इसकी तुक नहीं बनती बल्कि अल्लाह ने तुम्हें जहाँ इतना दिया है तो उसी पर तुम्हें किफ़ायत करनी चाहिए मजीद लोगों के साथ कमी बेशी नहीं करनी चाहिए नाप और तोल में व इनि अखाफुम आजाब महीद और मुझे डर है कि तुम्हें घेरने वाले दिन का आजाब जो है वो पकड़ लेगा यानी जब तुम पे अजाब आएगा तो वो ऐसा घेरने वाला अजाब होगा कि फिर तुम उससे बच के निकल नहीं सको वया कौम और ए मेरी कौम नाप और तोल अदलो इंसाफ के साथ पूरा पूरा करो यानी उसकी फिर दोबारा तलकीन कर रहे हैं कि तुम जो कमी करते हो वो छोड़ दो बल्कि करो क्या कि उसको नाप और तोल को पूरा पूरा दो अदल इंसाफ के साथ वला तब खस ना सा और लोगों को उनकी जो चीजें हैं वो कम करके ना दो उसमें उनके लिए नुकसान का बायस ना बनो वाला और जमीन में तुम फसाद फैलाने वाले ना बनो जमीन में फसाद ना फैलाओ जमीन में करप्शन ना फैलाओ यानी कि दोनों तरीकों से जमीन में करप्शन फैलती है नंबर एक ये के शिरक से कि अल्लाह के अलावा अल्ला जब वो बैर उल्ला की इबादत कर रहे हैं तो ये भी फसाद का एक सबब है और दूसरा फसाद का सबब ये है कि जब वो माली मामला दही करते हैं तो उससे भी जो है वो फसाद फैलता है बकैत खैर को जो अल्लाह की तरफ से बाकी बचता है तुम्हारे लिए अल्लाह अल्लाह अल्ला की तरफ से उसको अल्लाह का बकैया करार दिया कि जो अगर ये जो धोखा दही है ये नाप तोल में कमी करके ये जो पैसा आता है इसको एक साइड पे हो, इसको ना लो उसके अलावा अल्लाह की तरफ से मिलेगा वो तुम्हारे लिए बेहतर है क्योंकि उसमें बरकत भी होगी इन कमिन अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम्हारे लिए जो हलाल पीछे बच जाता है वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है वमान तुम्हें हफीज और मैं तुम पे कोई निगरान या इख्तियार रखने वाला तो नहीं हूं मैं तुम्हें जुबानी नसीहत ही कर सकता हूँ कोई जबरदस्ती तुमसे इस पे अमल दरामद नहीं करवा सकता और ना ही मेरी यह जिम्मेदारी है शुआब तो अब उस कौम ने जवाब दिया कि शुआब असलातु का ना या अब आबा क्या तुम्हारी नमाज या तुम्हारी इबादत तुम्हें ये हुक्म देती है अन ना या अब दबावना कि तू हमसे ये तकाजा करे कि हम अपने उस चीज की इबादत छोड़ दें जिसकी हमारे अबाव इबादत करते थे अवनफालफियम वाली मान शाह या हम अपने मालों में उस अंदाज से काम करें आ, 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 उस अंदाज से काम ना कर सके मान जैसे हम चाहते बल्कि हम उस अंदाज से अपने माली मामला को देखें जैसे तुम चाहते हो तो अगर तुम अपना इबादत में लगे हुए हो नेक बंदे हो इबादत गुजार हो तो उसका ये मतलब नहीं बनता कि भाई तुम हमें आके नसीहतें करो कि अपने मापुतों को हम छोड़ दें या माली मामला में उस अंदाज से करें जैसे जैसे हम चाहें हम ना कर सकें तो उन्होंने इस जगह पे क्या किया अगर माली मामला को देखा जाए तो उन्होंने इस चीज को भी कहा कि भाई आप हम ये जो बात कर रहे हैं कि हम लोगों के साथ फ्रॉड ना करें तो ये हमारे बिजनेस में मुदाखलत कर रहे हो तुम और तुम्हारा ये हक नहीं बनता अगर तुम अल्लाह लोग हो, तो बस ठीक है अपनी इबादत करो और अपना जो इबादतगाह है उस तक महदूद रहो हमें कोई एतराज नहीं लेकिन इबादत करने वाले का हम ये हक मानने के लिए तैयार नहीं कि वो आए और हमें भी नसीहत करे कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो या हमें नसीहत करे कि अपने दुनियावी और माली मामला दुरुस्त करो तो सुबहान देखें एक ऐसी एक बात है कि आज भी अगर किसी को नसीहत कर दें तो लोग बातें करते हैं कि जी बस ये मौलवी हैं उलामा हैं तो इनको चाहिए कि बस अपनी मस्जिद में नमाज रोज़े तक अपने आप को महदूद रखें यह आके हमें क्यों तलकिन करते हैं कि अपने माली मामला को या अपने दुनियावी मामला को दुरुस्त करें तो ये इंसान की एक फितरत एक तरीक़ाकार रहा है जो शुरू से हमें पिछली कौमों में भी उसके जो तो असरात हैं वो नज़र आते हैं कि किस अंदाज से कौमों ने अपने अंबिया को जवाब दिया इन नकल अंतल हलीम और रशीद तो उस कौम ने उनसे कहा कि शुबा तू बड़ा ही बावकार और नेक चाल चलन वाला आदमी है तो ये उन्होंने अपनी तरफ से एक कह लेंगे तंजिया अंदाज में बात की के जैसे हम हमारे यहाँ लोग कह देते हैं अगर कोई किसी को नसीहत करे कि तुम ज्यादा से आने हो तो उन्होंने ये कहा कि भाई तुम ज्यादा कोई दानश्वर और सीधे और सही करैक्टर वाले बंदे हो जो हमें नसीहतें कर रहे हो तो मतलब ये कि अपना जो हिकमत है अपना दानाई है या अपना सीधा चाल चलन है या अच्छाई है मतलब ये कि उसको अपने तक रखो हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है काला या कहू में तो शुएब सलाम ने आगे से जवाब दिया कि ऐ मेरी कौम आ रही तुम इन कुंतु अला बैनतिम मिर के देखो कि अगर मैं अपने रब की तरफ से वाजे दलाइल पे हूँ अल्लाह ने मुझे दलील दी है मेरी तरफ वही की है वजह कनी मिनो रिजकन हासाना और अल्लाह ने मुझे बेहतरीन रोजी दी है अच्छा रिज्क दिया है इसके दो मफह है एक तो ये कि अल्लाह ने मुझे नबोत अदा की है दूसरा ये कि मैं भी अपना गुजर बसर करता हूं मैं भी अपने जरूरियात के लिए कमाई करता हूँ तो मैं तो लोगों से धोखादही नहीं करता तो मैं कौन सा इधर रह गया हूँ मुझे भी अल्लाह अता करता है तो अल्लाह ने मुझे अच्छा रिज्क जो है वो अता किया है वो माँ उदालिफा मिला और मेरा ये कतन इरादा नहीं है कि मैं तुम्हें तो गलत काम से रोकूं लेकिन खुद वो काम करूं तो मैं ये नहीं मेरा मकसद के भी मैं तुम्हारी जो बिजनेस हैं तुम्हारी जो तिजारत है उसको डाउन करना चाहता हूँ यह नसीहत कर दो कि तुम तौर तो में कमी ना करो धोखा दही ना करो और फिर वही चीज मैं खुद कर करके तो वो सारा जो मार्केट का प्रॉफिट है वो मैंने कोई अपनी जेब में तो नहीं डालना तो अगर मैं किसी चीज की तुमको नसीहत कर रहा हूँ तो उससे पहले मैं खुद उस पर अमल कर रहा हूँ तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि भी मैं कोई तुम पे सख्ती कर रहा हूँ या तुम्हें किसी ऐसी चीज से आर दिला रहा हूं जिसका मैं खुद पाबंद नहीं इन उरीद इस्लाह मस्ता और मेरा इरादा तो सिर्फ ये है कि भी मैं जहां तक मेरे से मुमकिन हो मैं तुम्हारी इस्लाह कर। तो मेरा इरादा सिर्फ और सिर्फ असलाह करने का है मस्ता तो जितनी मेरी ताकत है वमा तो अला बिल्ला और मेरी जो तौफीक है मुझे जो तौफीक है मैं जितना कर सकता हूँ वो सिर्फ वही है जो अल्लाह की तरफ से मुझे तौफीक दी जाए अलई ही तोल तो उस अल्लाह पे ही मेरा भरोसा है वह इले ही उनीब और मैं अल्लाह ही की तरफ रुजू करता हूँ और उसी की तरफ मैं मुतव व या कहूँ मैं और मेरी कौम ला यु शिका की मे... तुम्हें मेरी मुखालफत और मेरी दुश्मनी इस चीज पे ना उबार दे औ महदिन के हटदर्मी में मुखालफत में तुम इस चीज पे अड़ जाओ और उसका नतीजा ये निकले कि तुम्हें भी उस तरह का अजाब आ, पहुंचे जिस तरह का अजाब नू आलाम की कौम को याद आलाम की कौम को या साले की कौम पे आया था वो अपनी हटदर्मी में अपने अम्बिया की मुखालफत और दुश्मनी में उनके खिलाफ डट गए कि हमने इनकी बात नहीं माननी तो नतीजा सबके सामने वमा और अलैहि सलाम की कौम तुमसे कोई ज्यादा दूर नहीं है यानी या तो ये उनका जो जहाँ पे वो रहते थे कौम लूत वो जगह तुमसे ज्यादा दूर नहीं है या ये कि वक्त भी ज्यादा दूर नहीं है कि कोई ज्यादा अरसा नहीं गुजरा कि एक कौम लूत हुआ करती थी कि जिसपे अल्लाह का अजाब आया वस्तफ अब बकुम सतूब और तुम्हें ये चाहिए कि तुम अपने रब से बख्श तलब करो अपने गुनाहों की सुतूबी और फिर उस उसकी तरफ रुझू करो और तोबा तायब हो जाओ इन न रबी रहीम बिला शुबा मेरा रब रहम करने वाला और बड़ी ही मोहब्बत और शफकत करने वाला है तो अगर, अगर अल्लाह से तोबा करोगे इसतार करोगे तो अल्लाह मुआफ फरमा देंगे लेकिन शर्त यह है कि अपनी गलत हरकतों से बाज आ जाओ और तोबा कर लोलू तो उन्होंने आगे से जवाब दिया या श्वाइबु शाइब माँ तुम्हारी ज्यादातर बातें तो हमारे पर लेनी पड़ती हमें कुछ इसका समझ नहीं आता तो यहाँ तो ये डटाई के, के वजह से उन्होंने कहा कि भी तुम्हारी बातें काबिल समझ नहीं है और ये कोई सेंस नहीं हमारे लिए बनाती क्योंकि वो चूंकि मुखालफ थे तो जो बातें उन्हें समझ आ भी रही थी उसका भी उन्होंने इनकार किया उन्होंने कहा कि नहीं ये कोई काबिल फहम बातें नहीं है ये कोई हमारी अकल को ये बात नहीं लगी। दूसरा इसका मफह यह है कि जो बातें गैब के मुतालिक आप कर रहे हैं वो हमारी समझ से रहे हैं कि हमें जन्नत के बारे में बताया जा रहा है या जहन्नम से डराया जा रहा है या आखरत के बारे में बताया जा रहा है अल्लाह के बारे में फरिश्तों के बारे में तो ये हमारी समझ से प्यादातर बातें हैं तो जो आ, बात आप कर रहे हैं जो ज्यादातर आपकी जो बातें हैं वो तो हमारे सर के ऊपर से गुजर रही हैं वो हमें उसकी कुछ समझ बूझ नहीं आ रही वराग अक तो दलाइल को एक तरफ छोड़ो बहस मुबास की बात नहीं है या दलील से बात करने की बात नहीं है बात ये है कि इन्ना नाराग अफीना दिफा के हम तुम्हें देखते हैं कि तुम हमें कमजोर हो यानी कि या तो जिसमानी तौर पे कमजोर हो या दूसरा ये कि एक अकेला बंदा पूरे एक जत्थे का एक पूरे लश्कर का मुकाबला तो नहीं कर सकता तो मतलब ये वो डटाई में ये कह रहे हैं कि बात से हम मुकाबला नहीं कर सकते तुम्हारा करना चाहते हैं बातें हम बहस नहीं करना चाहते अगर लड़ाई झगड़ा हमसे करना है तो जरा आ जाओ दो दो हाथ कर लेते हैं देख लेते हैं तगड़ा कौन वही नारा कफीना तईफा और हम देखते हैं कि भाई तुम हमें बहुत कमजोर होते हो वलौला राहतु का का अगर तुम्हारा कबीला ना होता तो हम तुम्हें संसार कर देते वाली ब्याजीज और तुम हम में कोई तुम्हारी हम पे कोई चौथराहट नहीं है और तुम्हारी हमारे सामने नऊ कोई हैसियत नहीं है तुम ह, हम तुम्हें कुछ नहीं समझते और तुम्हारे जैसे शख्स को रजम कर देना या संसार कर देना हमारे लिए कोई बड़ी बात ना हो लेकिन सिर्फ ये है कि तुम्हारे कबीले का पास है हमें लिहाज है कि तुम्हारा कबीला है इधर बड़ा तो उनसे हमारे अच्छे तल्लत है तो हम उनके साथ बिगाड़ना नहीं चाहते या उनकी हमें हया है जरा तो उस वजह से हम तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं कर रहे वगरना तुम्हारी कोई हैसीयत नहीं है इधर काला तो या शुहेब सलाम ने उनसे कहा या कौन है मेरी कौम अरा आज वाली कुमिन क्या मेरी कौम जो मेरा जो कबीला है वो तुम्हारे नज़दीक अल्लाह से भी ज्यादा इज्जत वाला है यानी तुम्हारे दिल में मेरी कौम के लिए तो कुछ इज्जत और रिस्पेक्ट है लेकिन अल्लाह के लिए तुम्हारे दिल में कोई इज्जत नहीं अल्लाह से तुम्हें बिल्कुल कोई डर नहीं तो ये देखें यहाँ पे सलाम ने ये नहीं कहा कि मैं एक अल्लाह का बेचा हुआ नबी हूँ तो क्या नबी की इज्जत तुम्हारे दिल में नहीं है बल्कि कहा कि अल्लाह की इज्जत तुम्हारे दिलों में नहीं है तुम्हारे लिए अल्लाह की अहमियत नहीं है क्योंकि असल में पैगाम अल्लाह की तरफ से है तो यहाँ पे जो मकसद है बयान करने का अल्लाह का बयान सलाम कर रहे हैं कि अल्लाह की तुम्हारे सामने मेरी कौम तुम्हें अल्लाह से ज्यादा करीब हो गई है तो मकसद ये है कि जब अल्लाह के दीन की बात होती है तो जो शख्स भी मसला नबी की गुस्ताखी करेगा वो असल में अल्लाह की गुस्ताखी कर रहा है और इसी तरह जो जो दीन की बात करने वाले लोग हैं जब लोग उनकी बात का ठट्ठा या मजाक उड़ाते हैं अगर वो सही दुरुस्त दीन की बात कर रहे हैं तो वो मजाक उड़ाते हैं तो असल में उन अशास का उन उनमा का चंद चंदा का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा बल्कि अल्लाह के दीन का असल में मजाक उड़ाया जा रहा होता है तो इस चीज की तरफ शुआब सलाम तोज्जो करवा रहे हैं कि मेरा जो कबीला है क्या वो तुम्हें अल्लाह से ज्यादा इज्जत वाला लगता है और ताकतवर लगता है वह हो वराकुमिया है कि तुमने अल्लाह को तो पसे पुष्ट डाल दिया अल्लाह की तो तुम्हें कोई परवाह कोई कदर ही नहीं है रब्बी बिमा बिला शुबा मेरा रब तुम्हारे अमलों को घेरे हुए है अल्लाह के इलम में है सारा कुछ और तुम अल्लाह से बात के कहीं नहीं जा सकते हो या कहो में अला मकानी आम तो जब ये सारी बहस मुबासा और सारी ये दावत देने के बावजूद शुैब को ये चीज़ नजर आ गई कि ये कौम अब इस दावत को सुन रही नहीं रही और हठदरमी पे है और तकबर में है तो उन्होंने कहा कि ए मेरी कौम ए अमलू अला मकान तुम अपनी जगह पे जो करना है करी जाओ इन्नी आम एलो मैं भी अपने अमल कर रहा हूँ जो मैं दुरुस्त समझता हूँ सऊ अन करीब तुम्हें पता चल जाएगा मैं यहाँ आती ही आजाब यू खुदी ही अमन हूँ कि किस पे रसवा कर देने वाला आजाब आता है और कौन झूठा है तो झूठे और सच्चे का फैसला जल्दी हो जाएगा वर इन्नी माकुम रकीब तो तुम भी इंतजार करो मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वाला के अल्लाह फैसला फरमा देंगे पता चल जाएगा कि अजाब कि किस पे आता है और झूठा कौन वलमा जा अमरुना अल्लाह व तआला फरमाते हैं कि जब हमारी तरफ से हुक्म

ऊंधे मुंह पड़े हुए थे का अल्लम यगन और उनके वो ऐसे हो गए कि जैसे वहाँ वो लोग उन घरों में बसे ही नहीं थे ऐसे अल्लाह ने उनको उखाड़ के फेंक दिया उनका नामो निशान मिटा दिया कि उनके कोई वहां पे आसार भी नहीं बचे ऐसा हो गया कि जैसे वो कभी वहां पे बसते ही नहीं थे अलाबल कमा कमाबाई दसमूद खबरदार मदीन वालों के लिए दूरी और लानत है कमबाई दसमूद जैसा कि अल्लाह की लानत समूद वालों पे हुई वालक दरसल मूसा भी ना व सुल्तान मुबीन अब मूसा और फिराउन का जो किस्सा है जो कजबरा है अल्लाह सुबह फरमा रहे हैं कि वालक दरसल्ला मूसा भी ना हमने मूसा सलाम को अपनी निशानियों व सुल्तान मुबीन और वाज दलील के साथ मूसा को भेजा यानी निशानियों से अः सलाम को भेजा और उनमें से एक बहुत बड़ा मौजा वो असा और लाठी वाला था कि वो एक अजहा और बड़ा सांप बन जाती थी और जैसा कि वो बाद में जब जादूगर भी मुकाबले के लिए आए तो वो भी मात खा गए इला फिर आऊ ना और अल्लाह सुबहाना तला फरमाते हैं मूसा सलाम को हम ये ये निशानियाँ ये मौजात या आयात या कामात दे के फ्राउन व मलाई और उसके सरदारों की तरफ भेजा फत तबाह अमर फिराउन तो उन लोगों ने फिराउन के जो अहकाम थे उनकी पैरवी की वमा अमर उब्रशीद हालांकि फिराउन का जो हुक्म था जो फिराउन जिस तरह चीज की तरफ उन्हें बुला रहा था वो दुरुस्त नहीं था तो उन्होंने दुरुस्त पैगाम को छोड़ के जो गलत हुक्म थे फिराउन के उसकी बजावरी की और उसके पीछे चले या, उम्हु या उम्हु तो ये दुनिया में चूंकि उसके पीछे चले तो क्यामत के दिन भी फिराउन अपनी कौम की कियादत करेगा अपनी कौम के आगे आगे होगा फाउर मुन्नार और उनको लेके वो आग पे जहन्नम में वारद होगा व भी असल और ये बहुत ही बुरा घाट है कि जहाँ पे वो वारद होंगे ये बहुत बुरी जगह है कि जिस जगह पे वो लोग होंगे और पहुंचेंगे और ये फिराउन उनके आगे आगे होगा और उनको लेके ये दो जख्म में दाखिल होगा ही लाना अल्लाह सुबहाना मुताला फरमाते हैं कि इस दुनिया में भी इन लोगों के पीछे लानत लगा दी गई वो यूमल क्याम और क्यामत के दिन भी लानत इनसे चिपकी हुई होगी बेसर रिफ्त और ये बहुत ही बुरा इनाम है जिससे इनको नवाजा गया कि इन पे अल्लाह की लानत है जाल्बाइलपुरा नकुस् आलई का अल्ला सुबह यहाँ पे अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाम को मुखातब करके फरमाते हैं कि ये बाज बस्तियों की खबरें हैं ये बाज खबरें हैं बज किस्से हैं मुख्तलफ बस्तियों के नकुस्लही का जो हम आपके सामने बयान करते हैं मिनहा कायम उनमें से कुछ बस्तियां तो खड़ी हैं अभी यानी उनके जो मकान हैं जो छतें हैं वो खड़ी हैं उनके कुछ आसार नजर आ जाते हैं वह हसीद और कुछ ऐसी बस्तियां हैं कि जो बिल्कुल कट गई हैं सिरे से नामो निशान उनका मिट गया है और अब वो सिर्फ तारीख में तो उनका तस्करा है लेकिन अब उनके जो आसार हैं वो भी बाकी नहीं रहे वमा वालम ना अल्लाह सुभान व तआला फरमाते हैं कि हमने उन लोगों के जुल्म नहीं किया जब अजाब उन पे आए हैं उनकी पकड़ हुई है तो वो हमने उन पे कोई जुल्म नहीं किया वलाकि ज़लमू अनफुज़हुम बल्कि उन्होंने अपने आप पे खुद जुल्म किए फमा अघना तनहुम आलिहतहुम लती यदऊना मिन दूनील्लाह बिशै लमा जा रब तो जब तुम्हारे रब का फैसला आया तुम्हारे रब की तरफ से अजाब आया तो उनको उनके वो महदूद जिनकी वो अल्लाह के अलावा इबादत करते थे उन्होंने कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया वो उन्हें उस अजाब से बचा नहीं सके वमा जादू हूं गईर तदबीर और उन जो महदूदाने पातला थे उन्होंने सिर्फ उनका नुकसान ही ज़्यादा किया और उनके लिए तबाही का ही बायस बने उनका फ़ायदा नहीं वो कर सके या उन्हें वो अजाब से नहीं बचा सके वह का का वही अल्ला और तेरे रब की पकड़ का यही तरीका है कि जब वो ऐसी बस्तियों वालों को पकड़ता है कि जो कि बस्तियां हैं तो उनकी पकड़ इसी अंदाज से होती है जैसे पिछले चंद रकू में तस्करा हुआ है चाह पिछली आयात में तस्करा हुआ है कि किस अंदाज़ से अल्लाह ने मुख्तफ कौमों को पकड़ा और उनको सजा दी इन ना खजबू अलीमशीद बिलाशुबा अल्लाह की जो पकड़ है वो बड़ी ही दर्दनाक दुख देने वाली और इंतहाई सख्त है इसमें निशान इबरत है ये जो पीछे इन अजाबों का तजकर हुआ है जो दुनिया में इन कॉमों पर आए इसमें इबरत है इसमें निशानी है उस शख्स के लिए जो आखरत के अजाब से डरता है कि वो देखे कि जब अल्लाह की आर्जी पकड़ आई इस दुनिया में तो वो कितनी खौफनाक कितनी शदीद और कितनी दहला देने वाले अजाब हैं हालांकि वो आरजी अजाब आए वो कौम उन पे जब आए तो वो वो कौमों का नाम व निशान मिट गया वो मर गए वो अजाब शुरू हुआ ख़त्म हो गया लेकिन इसमें इंसान के लिए निशान इबरत है कि आखरत का अजाब जो कि हमेशा बाकी रहने वाला है और ऐसा अजाब होगा कि ना वहां पे इंसान मरने की हालत में होगा ना जीने की हालत में होगा यानी इतनी बुरी हालत में होगा कि उसको जीना भी नहीं कह सकते और मौत वहां पे आएगी नहीं और वो मुस्तकिल अजाब होगा तो ये एक कह कि उसका निशानी है उस शख्स के लिए और इबरत है कि जो आखरत के अजाब से डरना चाहे वो इन अजाबों की तरफ देख ले जो दुनिया में इन कौमों पर आए जाल योम मजमू अल्लाह उन्नास और वो जो क्यामत का दिन है वो ऐसा दिन है कि जिस दिन लोग इकट्ठे किए जाएंगे वजाल मशहूद और ये वो दिन होगा कि जब सब हाजिर कर लिए जाएंगे हिसाब किताब के लिए वमान और हम के दिन को जो हमने मर किया हुआ है ये कोई उसको डिले नहीं किया जा रहा बल्कि उसका एक वक़्त मुकर है और उस वक्त मुकर्र तक ही उसको मुलतवी किया गया है ये नहीं है कि उसको ऐसा वो कह लें कि ताखिर है उसमें के उसमें डिले हुए जा रहा है बल्कि जब उसका वक्त आएगा तो फिर वो आ जाएगी और जब क्यामत आएगी यू माया आती जब वो दिन आएगा ला तकनी तो उस दिन कोई शख्स कोई भी अल्लाह की इजाजत के बगैर बात नहीं कर सकेगा यानी सिफारिश करना तो दूर की बात बोल भी नहीं सकेगा जैसा कि हदीस रसूल वसल्लम ने फरमाया रसूल ने फरमायामत के, के दिन किसी की जरूरत नहीं होगी कोई बात करने की बोलने की सवाए हम भी के, और वो भी सिर्फ यही कह रहे होंगे हमें महफूज रख और हमें बचा ले तो कोई शख्स अल्लाह की बारगाह में बोलने की जरूरत नहीं करेगा और वो जो इतना सख्त दिन होगा उस दिन फमिन हम शकी सईद कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो कि बदबक होंगे वसईद उन और कुछ नेक वक्त होंगे कुछ होंगे कि जिनकी बुरी बुरा नसीब होगा बुरा उनका आगे हिस्सा है और कुछ खुश नसीब होंगे फाम शकूक तो जो बदब्त होंगे फफिन नारी वो दो जख्म में जाएंगे लहु जफी शकीक उसमें उनके लिए उनका चीखा चीखना और पुकारना होगा कि वो चीखे पुकारेंगे उसमें चिल्लाएंगे जहन्नम के आजाब के सपुर्द जब होंगे खालदी वो उस जहन्नम में हमेशा हमेशा रहेंगे मादामत मादा जब तक जमीन आसमान कायम रहेंगे इल्ला माशा सवाए उसके के के जिसको तेरा रब चाहे यानी के जो शख्स जिसके दिल में थोड़ा बहुत ईमान होगा तो अगर वो जहन्नम में जाएगा इस वजह से अपने गुनाहों की वजह से तो वो गुनाहों की सजा भुगत के उसको वहां से निकाल भी लिया जाएगा लेकिन जो शख्स कुफर पे है जो शिरक पे है जो इस जिसके दिल में जर्रा बराबर भी ईमान नहीं होगा वो हमेशा हमेशा उस दोजफ में रहेगा और यहाँ पे जो आसमान और जमीन के कायम रहने का दिया ये एक यादव मिसाल के तौर पे है कि जब कहा जाता है जब तक जमीन व आसमान रहे मतलब हमेशा या ये कि यहाँ इससे मुराद वो जमीन व आसमान है जो दोबारा नए सिरे से बनाए जाएंगे ये जो दुनिया वाले जमीन जमीनों आसमान है ये तो तबाहों बर्बाद हो जाएंगे क्याद से पहले ही और अल्लाह इनको तब्दील कर देगा नए जमीनों आसमान से तो मतलब ये के हमेशा हमेशा ये लोग इस दोजख में रहेंगे सवाए उन लोगों के जिनको अल्लाह सुबहान तुनागारों को उसमें से निकाल लेगा जो के मोमिन होंगे इन न रबा गफा यूरी बिला शुबा तेरा रब जो चाहता है वो करता है उसको कोई पूछने वाला नहीं वाहमी न सोईदू और जो लोग खुश नसीब होंगे फफिल जन्ना यानी कि ईमान वाले हैं नेक अमल वाले हैं फफिल जन्नति वो जन्नत में जाएंगे खालिदी अफी वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे मादामत समावत वर जब तक ज़मीन व आसमान है इलामाशाह रबा उसके के जिसके बारे में तेरा रब चाहे यानी ये इससे भी मुराद वो वही मुस्लिम और गुनागार है कि जो इब्तदाई तौर पे जन्नत में नहीं जा सकेंगे बल्कि अपने गुनाहों की सजा भुगत के फिर वो जन्नत में जाएंगे तो वो शुरू से वो जन्नत में नहीं है बल्कि बाद में वो उसमें दाखिल होंगे लेकिन तो ये तेरे रब की ऐसी अता है जो बेतहा है जो खत्म होने वाली नहीं है तो इसलिए जो लोग एक दफा उसमें दाखिल हो जाएंगे चाहे शुरू से दाखिल हों या बाद में दाखिल हों तो फिर वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे और उनको उसमें जन्नत में नेमते मिलती रहेंगी फलाफी मरी या मोहम्मद आप उनके बारे में जिनकी ये इबादत करते हैं यानी जो ये अपने पुतों की या गैर अल्लाह की जो ये इबादत कर रहे हैं उसके बारे में आप कोई शक् व शुबा में मुब्तला ना हो कि इसकी भी कोई हैसियत है या इसमें भी कोई वजन है या नहीं है बल्कि ये बिल्कुल बेसलेस काम कर रहे हैं और इनके पास कोई दलील नहीं है कोई उसकी मंतक नहीं है माँ बदूना इल्ला का मायाब अबाब ये तो सिर्फ उस तरह उनकी इबादत कर रहे हैं जैसे इनके इनसे पहले उनकी इबादत करते थे तो ये अंधी तकलीद कर रहे हैं वो इन नमू हम नसीब हम और बिला शुबा हम इनको इनका बदला और इनका नसीब पूरा पूरा देंगे गैर मकबूस और उसमें किसी किस्म की कोई कमी पेशी नहीं की जाएगी तो अगर ये शिरक में मुबतला है तो उसकी सज़ा इनको पूरी पूरी मिलेगी और उस सजा में कोई कमी नहीं होगी अकूल कऊलिमसल असलम वरहि वरक